नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है। पेयर्स मींस दो हो गए, लीनियर मीन जिसकी डिग्री एक होगी। डिग्री ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल इज वन, उसे हम बोलेंगे लीनियर। और इक्वेशन क्या है? टू पॉलिनोमियल व्हेन दे आर इक्वल टू ईच अदर। मींस एक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो गया, 2x² + 3x। ये अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल क्या ले लिया, gx = 3। अगर मैंने दोनों पॉलिनोमियल px = gx कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, px की वैल्यू 2x² + 3x = 3 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, व्हेन टू पॉलिनोमियल आर कंपेयर टू ईच अदर। जब दो पॉलिनोमियल को आपस में इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन। लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2, बट इट इज नॉट लीनियर। और लीनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। कैसे, अब देखिए ध्यान से। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास px इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल 2x + 5 है, 2x + 5, और दूसरा पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू 4x - 3 है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x + 5 = 4x + 3। ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में x मेरे पास क्या है, वेरिएबल। x क्या है मेरे पास, वेरिएबल। और इसमें वेरिएबल केवल एक है, और वो वेरिएबल क्या है, x। देयर इज ओनली वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या है, x। वेरिएबल मीन्स द वैल्यू विच इज नॉट फिक्स। इसका मतलब वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड। और ये इसके साथ हमने क्या लिखा है, 3। 3 क्या हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, नो चेंज इन द वैल्यू, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किसके फॉर्म में लिखते हैं, एक वेरिएबल हो गया एक्स, दूसरा वेरिएबल हो गया वाई, दोनों को ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। दूसरा पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने 3, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, लीनियर हो गया। वेरिएबल x, वेरिएबल y, दो वेरिएबल हो गए, तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने 9th में किया होगा लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कैसे लिखते थे, ax + by + c = 0। a इज कोफिशियंट ऑफ x, b इज कोफिशियंट ऑफ y, c कांस्टेंट टर्म। जबकि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो मेरे पास क्या बनेगा, 0x + by + c = 0। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी by + c = 0। इसमें केवल एक वेरिएबल आएगा, ये 2 वेरिएबल नहीं होगा। और अगर b 0 हो गया तो क्या आएगा, ax + 0y + c = 0। तो ax + c = 0, ये मेरे पास 1 वेरिएबल होगा। अगर दोनों 0 हो गए तो क्या होगा, 0x, a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो 0x + 0y + c = 0। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो c = 0, तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास a 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारी बनेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर्स का मतलब है 2, तो कितनी होनी चाहिए, 2 इक्वेशन होनी चाहिए। कैसे, एक इक्वेशन मेरे पास क्या है, ax प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो पेयर है, लेकिन दोनों में ए, दोनों में बी, दोनों में सी सेम है। अगर इसे पेयर बनाने के लिए इसे इक्वेशन नंबर वन लेते हैं तो यहां पर क्या आएंगे, कोफिशियंट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ये बन जाएंगी दो इक्वेशन, और जिसे हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स वाई, सी कॉन्स्टेंट टर्म है, ए कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी कोफिशियंट ऑफ वाई। ए वन रिप्रेजेंट द कोफिशियंट ऑफ एक्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन, बी वन रिप्रेजेंट द कोफिशियंट ऑफ वाई फर्स्ट इक्वेशन का, सी वन इज द कॉन्स्टेंट पहली इक्वेशन का, ए टू जो है वो कोफिशियंट ऑफ एक्स सेकेंड इक्वेशन का, बी टू कोफिशियंट ऑफ वाई दूसरी इक्वेशन का, सी टू कॉन्स्टेंट टर्म दूसरी इक्वेशन के दूसरी टर्म होगी। अब इसमें हम, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये ऑर्डर्ड पेयर मींस पहली x की वैल्यू दूसरी y की वैल्यू, 1, 1 मींस x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं, y की जगह 1 रखते हैं, अगर LHS RHS के बराबर आता है तो 1, 1 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन है। टू ब्रैकेट 1 x की जगह 1 रख दिया प्लस 3 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 5, 2, 1 जा 2 प्लस 3, 1 जा 3 इज इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5, LHS इज इक्वल टू RHS, आपने 9th में भी क्या होगा, तो इसका मतलब 1, 1 जो है इज सॉल्यूशन ऑफ किसके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 के सॉल्यूशन है। अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब x और y की वैल्यू इसके सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, अब हम रखते हैं 1, 7 1, 7 मीन x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7, x की जगह 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 5, 2, 1 जा 2 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 21 23 इज इक्वल टू 5, LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों बराबर नहीं है। जब LHS RHS के बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्या, 1, 7 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ किसका, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसके सॉल्यूशन नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड के व्हेन 1, 3 आर सॉल्यूशन ऑफ 1, 3 इज सॉल्यूशन ऑफ 1, 3 इज सॉल्यूशन ऑफ किसका, 1, 3 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 4k 4y इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू निकालनी है, जबकि 1, 3 इसके क्या है सॉल्यूशन है, तो x की जगह क्या रखेंगे 1, y की जगह 2, तो लिखते क्या थे, पुट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, तो सॉल्यूशन मीन LHS इज इक्वल टू RHS, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू k, तो 2 प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू k, तो k कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो ये k की वैल्यू थी, कब, जब 1, 3 इस 2x प्लस 4y प्लस k के क्या है सॉल्यूशन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, द जनरल फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y इज, जो हमारी इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर
ये दोनों लाइन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन ये होती है, ये ग्राफ है, ये हमारे पास x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये ओरिजिन। अगर दोनों ग्राफ क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, एक ग्राफ ही हो गया, एक ग्राफ ही हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन ये रही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इन दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ किया, तो उन्होंने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो क्या होगा, ग्राफिकली क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट, ग्राफिकली इंटरसेक्ट। तो क्या हो रहा है इसमें, ग्राफिकली इंटरसेक्ट हो रहा है। दूसरा, जब इंटरसेक्ट होता है ग्राफिकली तो हमें पता लग जाएगा इंटरसेक्ट है, और इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर, वन पॉइंट पर, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। जब दो लाइन या दो लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन है। और तीसरी कंडीशन क्या बोलते हैं, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट, इसे बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है। तीसरा बोलते हैं कंडीशन कैसे कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए, विदाउट ग्राफ, विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ, हाउ वी कैन से, हम कैसे कह सकते हैं कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। तो उसके लिए क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन, कोफिशियंट ऑफ एक्स फॉर सेकेंड इक्वेशन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मींस कोफिशियंट ऑफ y फॉर फर्स्ट इक्वेशन, कोफिशियंट ऑफ y फॉर सेकेंड इक्वेशन। अगर कोफिशियंट ऑफ रेशियो ऑफ द कोफिशियंट ऑफ x नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोफिशियंट ऑफ y, अगर ये इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मीन दे इंटरसेक्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट पर। ये हमारी पहली कंडीशन है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका मतलब क्या है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, और अल्जेब्रिकली कैसे देखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यही क्वेश्चन हमारा अगला पॉइंट बनता है, जैसे सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन होगी सेकंड, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे हमने नाइन्थ में ड्रॉ किया था, ये x एक्सिस जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं, ये y एक्सिस जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन ऑर्डिनेट, इंटरसेक्ट कहां पर, ओरिजिन, ओरिजिन में यहां पर एक्स पी जीरो वाई पी जीरो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव y, और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव। अगर दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती, मीन्स अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट नहीं करें, इंटरसेक्ट मीन दे आर पैरेलल, इसका नाम क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, इसका नाम क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो क्या ये पैरेलल है, दे आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन टू लाइन नॉट इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट, तो दे आर पैरेलल। तो पहली कंडीशन क्या होगी, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल, ये होंगी क्या, पैरेलल होंगी। दूसरा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तीसरा, इनकंसिस्टेंट, क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 कोफिशियंट ऑफ x का रेशो इक्वल टू क्या होगा, b1 अपॉन b2 कोफिशियंट ऑफ रेशो ऑफ द कोफिशियंट ऑफ y नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन के लिए, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, और ये कौन सी है, सेकंड वन। अगर मान लो तीसरी कंडीशन हो जाती है,
मीन्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। हमने क्या करा, ग्राफ ड्रॉ किया। अगर दोनों लाइन, एक लाइन ये और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉइंसिडेंस। एक लाइन कवर कर रही है किसको, दूसरी लाइन को। तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो दोनों लाइन क्या कर रही है, कॉइंसाइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, व्हेन टू लाइन कवर टू इच अदर, तो इट मीन एक दूसरे के ऊपर लाई कर दिए, तो ये क्या होंगे, दे आर कॉन्साइड, दे कॉन्साइड टू ईच अदर। दूसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीसरा ये क्या करेंगे, इसे कंसिस्टेंट। चौथा इसे बोलेंगे डिपेंडेंट, और नेक्स्ट बोलेंगे कंडीशन क्या होगी इसकी अल्जेब्रिकली, ए वन रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू रेशो ऑफ कॉन्स्टेंट ऑलवेज सेम। तो इसे बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मीन कॉन्सिडेंट मीन्स डिपेंडेंट मैनी सॉल्यूशन। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। वी हैव टू रिवाइज, इसे हमें याद होना चाहिए अल्जेब्रिकली भी, अल्जेब्रिकली ये है और ये ग्राफिकली है। हमें ग्राफिकली अल्जेब्रिकली दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन जो आपको वीडियो मिलेगी वो पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एंड नाउ थैंक्स फॉर टूडे टू ज्वाइन अस।